संभल साम्राज्य रेडियो, सुनते रहिए सत्य की सनातन वाणी। हिमालय की सिद्ध परंपरा में वैसे तो योग की कई पद्धतियां परंपराएं प्राचीन काल से ही प्रवाहित हो रही हैं, लेकिन तंत्र योग का एक अद्भुत भाग है जो प्रत्येक योगी के लिए अनिवार्य बताया गया, वो है आत्ममंडल योग। वैसे तो संक्षिप्ततः इसे आत्मयोग भी कहा जाता है, लेकिन मंडल जोड़ देने से इस बात को यह शब्द प्रमाणित करता है कि ये तंत्रानुगत योग परंपरा है। हिमालय के जो महासिद्ध हैं, उन महासिद्धों की प्रणाली में अगर आप अध्ययन करते हैं तो महासिद्ध कोशीरनाथ जी का नाम बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम है। उनके द्वारा ही इस ग्रंथ का मूलतया लेखन हुआ है या संकलन हुआ है, आप इस तरह से इसे जान सकते हैं। अब महासिद्ध कोशीरनाथ बहुत ही महत्वपूर्ण महासिद्ध हैं और पूर्व कौलांतकनाथ भी हैं। तो महासिद्ध कोशीरनाथ जी के बहुत सारे नाम हैं। उनका वास्तविक नाम है महासिद्ध कोपशीर्षनाथ, क्योंकि वो अत्यंत क्रोधित अवस्था में दिखाई दिया करते थे सदा। तो ऐसा लगता था कि मानो इतने क्रोधी हैं कि उनको देखकर ही कोई भयभीत हो जाए। ऐसा जान ही नहीं पड़ता था कि ये कोई योगी होंगे, तो बड़ा विरोधाभास उनके व्यक्तित्व में रहा है। तो लेकिन जो जानकार थे उन्होंने उनका नाम कोप शीर्ष के स्थान पर कोशीरनाथ कर दिया संक्षिप्तता। तो उनको गण चक्रनाथ भी कहा जाता था, तो गणों के चक्र, ये एक विस्तृत कथा है। मैं फिर कभी इस पर आपको कुछ संदर्भ बताऊंगा, लेकिन अभी मुख्य बिंदु ये है कि ये जो आत्मयोग है या आत्ममंडल योग है, इसके मूल प्राण क्या हैं। हिमालय में जब आप सिद्ध धर्म परंपरा अथवा हिमालय के योगियों की जो परंपरा है, कुलांत पीठ है, तो यदि आप वहां बैठकर तप का अभ्यास कर रहे हैं, योग का अभ्यास कर रहे हैं, तो वहां पर आप नास्तिक योग परंपरा को उस गहनता के साथ अपने जीवन में नहीं उतार पाते जिस गहनता के साथ आप किसी अन्य हिमालय के शिखर पर नास्तिक योग परंपरा को भी अपने जीवन में उतार सके। यद्यपि योग में इस प्रकार का कोई नियम नहीं है, आप किसी भी प्रकार का योग अभ्यास साधना कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन हिमालय के कुछ अद्भुत क्षेत्रों को देवताओं का गढ़ अथवा देवताओं की भूमि बताया गया है, और वो इस कारण क्योंकि महाकैलाश पर, कैलाश शिखर पर स्वयं स्वच्छंद भैरव देवादिदेव महादेव शिव रहते हैं, विराजमान रहते हैं, तो उनके साथ अनेकों गण देवी देवता इत्यादि निरंतर विचरण करते हैं। तो हिमालय के कुछ स्थान पर ऐसे कुछ अति उच्च स्थान हैं, अति विशिष्ट स्थान हैं, जहाँ पर देवमंडल का अधिक वास रहता है। तो ऐसे स्थान पर जब कोई योगी योग का अभ्यास करता है तो वो अपने संपूर्ण ये जो योग की परंपराएं होती हैं, जैसे योगासन करने हैं, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, अथवा शरीर को स्नान ध्यान इत्यादि द्वारा अंगों को प्रक्षालित करना है, ये सारी की सारी क्रियाएं देव धर्म के अनुरूप अर्थात देवताओं को प्रमुख रख करके की जाती हैं। और जो ये आत्ममंडल योग है, आपको नाम से स्पष्ट हो चुका होगा कि आत्म अर्थात मैं ही, मंडल अर्थात मैं ही एक मंडल हूं, और उसी का योग ये है, अर्थात मेरा ये शरीर और मेरे इस शरीर के अंदर भी यदि कोई शरीर है, उन सभी शरीरों को मिलाकर जो एक शरीर बनता है, एक देह बनती है मेरी, जो प्रत्यक्ष है और सूक्ष्म है, अर्थात भौतिक है और सूक्ष्माति सूक्ष्म है, इस शरीर में देवताओं का निवास है, शक्तियों का निवास है, दिव्यता का निवास है, सद्गुणों का निवास है, मैं उन सभी को एक मंडल के रूप में देखता हूं अपने भीतर, और वो मंडल और मेरा ये शरीर अथवा मेरे ये कोष अथवा स्वयं मैं
उस मंडल से अभिन्न हैं, हम एक ही हैं। हम भासते अलग अलग अवश्य हैं, लेकिन मूलतः हम एक ही हैं। और जब इस प्रकार एक योगी अपने ही शरीर को, अपने ही भीतर के अन्य योगात्मक शरीरों को भी भीतर एक मंडल के रूप में ध्याना शुरू करता है, उस पर ध्यान लगाता है, तब जिस योग मार्ग के द्वारा वो समाधि की ओर जाता है, उसी योग मार्ग को नाम दिया गया आत्मयोग अथवा आत्ममंडल योग। तो जब कोई नया विद्यार्थी पहली बार हिमालय में अपने गुरु के सानिध्य में जाता और कहता है कि मैं आत्मयोग अथवा आत्ममंडल योग के विषय में कुछ जानना चाहता हूं, कृपया मार्गदर्शन करें, तो अधिकांशतः जो हमारे महासिद्ध गुरु होते हैं उनका साधारण शब्दों में ये कहना होता है कि इस मनुष्य जीवन में जो भी उत्तम से उत्तम सद्गुण हो सकते हैं, जो भी उत्तम से उत्तम चेतना की अवस्था हो सकती है, जो भी उत्तम से उत्तम मन बुद्धि चित्त अहंकार उसकी जो सुसंस्कृत अवस्था, अति संस्कृत अवस्था, अति परिष्कृत अवस्था होगी, उन सबों को जब हम जोड़ लेते हैं, उन सभी को जब हम एक रूप में ले आए, एक स्थान पर एकत्रित कर लें, तब वो स्थान दिव्य आभा से भर उठता है। और जब ये दिव्य आभा बढ़ जाती है, ऐसे ही आभा मंडल को हम देवता कहते हैं। तो कई प्रकार के सद्गुण हैं। यहां पर हम जब सद्गुणों की बात करते हैं तो केवल मनुष्य के शरीर के ही सद्गुण नहीं हैं, हम केवल स्थूल सद्गुणों की ही बात नहीं करते, यहां धार्मिक सद्गुणों, आध्यात्मिक सद्गुणों की बात भी हम यहां करते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक विस्तृत प्रणाली हो जाती है, लेकिन यही विस्तृत प्रणाली हमें प्रेरित करती है कि यदि इस ब्रह्मांड में बुरी से बुरी चीजें, बुरी से बुरी सामग्री, बुरे से बुरे विचार, बुरे से बुरे कर्म विद्यमान हैं, तो अच्छे से अच्छे विचार, कर्म और व्यक्ति अथवा चेतना भी विद्यमान है। तो जब हम उत्तम चेतनाओं के मंडल की तरफ अपने आप को लेकर जाते हैं तो वो उत्तम मंडल योग हो जाता है। और जब उत्तम मंडल योग में हम स्वयं को देखते हैं कि ये सारे सद्गुण जो सृष्टि में हैं, बाहर के जगत में हैं, मेरे ही भीतर हैं और मुझसे ही बाहर आ रहे हैं और सृष्टि में सर्वत्र यही हैं, तो जब एक रूपता आ जाती है तब वो आत्ममंडल योग हो जाता है। अर्थात एक पंक्ति में ऐसे सोचिए कि यदि इस ब्रह्मांड में कहीं कोई देवता है तो क्या मैं वो देवता हो सकता हूं? तो उत्तर है हां, यदि इस ब्रह्मांड में कोई देवता है और कोई ऐसी स्थिति है जहां पर जाकर कोई मनुष्य देवता अथवा पूर्ण स्थिति को, सिद्धत्व की स्थिति को अथवा ब्रह्ममयता की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तो वो आपके लिए भी संभव है। तो वो कैसे होगा? तो जब इस तरह के प्रश्न उठते हैं तो ये कहा जाता है कि सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि संसार के कर्म आवश्यक हैं या नहीं, क्योंकि आप संसार में तरह तरह के कर्म करते हैं। अब जीवित रहना है तो जीविका का उपार्जन करना होगा। यदि आप भोजन न करें, स्नान ध्यान न करें, वस्त्र आपके पास ना हो, उत्तम स्थान आपके पास ना हो, प्राणवायु उत्तम ना हो, उत्तम जल और सूर्य की रोशनी आपके पास उत्तम ना हो, तो कुछ दिवस भी इस पृथ्वी पर जीवित रहना असंभव है। तो आपको युक्तिपूर्वक, चाहे आप गृहस्थ हों, चाहे आप सन्यासी हों, चाहे आप योगी हों, चाहे आप धार्मिक हों, चाहे आप नास्तिक हों, प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो इस पृथ्वी पर जब रहता है तो सबसे पहले उसके लिए अनिवार्य है कि वो इस संसार में जो अति आवश्यक कर्म होते हैं, प्रबंधन होता है, व्यवस्था होती है, उसे करे। क्योंकि भारत में अधिकांशतः जो धर्म से विमुख लोग हैं या धर्म को नहीं जानने वाले लोग हैं, उनका साधारण तर्क होता है कि यदि कोई व्यक्ति धार्मिक है तो उसे वाहन की, भवन की, ऐशो आराम की क्या आवश्यकता है, क्यों उसको आवश्यकता क्यों नहीं हो सकती? यदि एक साधारण व्यक्ति रोगी हो सकता है तो कोई धार्मिक व्यक्ति रोगी क्यों नहीं हो सकता? यदि एक आम व्यक्ति को अस्पताल की आवश्यकता पड़ती है तो किसी बड़े धार्मिक व्यक्ति को क्यों नहीं? तो ये ग्रंथ इस प्रकार की भ्रांतियां धर्म अध्यात्म को लेकर तोड़ता है। वो ये कहता है कि किसी भी स्थिति में
आपके लिए इस पृथ्वी पर जो भी अनिवार्य कर्म है वो आपको करने चाहिए, लेकिन उनमें इतना अधिक तल्लीन नहीं हो जाना चाहिए या उसकी सीमा का अतिक्रमण आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर आप आत्ममंडल से विमुख होने लगते हैं और आप योग की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाते। तो यहां पर संतुलित जीवन जीने का निर्देश दिया जाता है। तो याद रखिए, यदि कोई हिमालय का महासिद्ध आत्ममंडल का योगी है तो हो सकता है वो आपको इस भौतिक संसार में कोई बहुत बड़ा कार्य करता हुआ दिख जाए, उसके पास सारे वो सुख हों जो आपके पास भी ना हो, लेकिन उसके बाद भी वो आत्ममंडल का पूर्ण योगी होगा, क्योंकि इस योग की परंपरा को, इस योग का जो क्रम है, यदि आप उसका अध्ययन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि संसार के अति आवश्यक कर्म वो सभी के लिए अनिवार्य हैं, यहां ये समझाया गया है। और साथ ही धर्म क्या होता है, धर्म का मर्म भी इसमें बताया गया है। तो सद्गुण और दया इत्यादि जो गुण हैं, प्रत्येक वस्तु के भीतर निहित जो उसका प्राकृतिक गुण है, उसको भी धर्म की संज्ञा यहां पर दी गई है। फिर मुख्य प्रश्न यह आता है कि मैं कौन हूं, क्या मैं सीमित अस्थि मज्जा वसा मांस और ये मस्तिष्क, ये सब ही क्या मैं हूं? ये जो मेरा शरीर रूपी पिंड बना हुआ है, मांस का ये जो एक व्यवस्था बनी हुई है, यंत्र बना हुआ है, क्या इसके भीतर ये जो चीजें, ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं, या ये जो विचार मेरे अंदर उठते हैं, तरंगे मेरे अंदर उठती हैं, भावनाएं मेरे अंदर उठती हैं, क्या ये सत्य हैं, या ये केवल ये शरीर उत्पन्न करता है केवल एक परिवेश में जीवित रहने भर के लिए, क्या केवल मेरा होना उतना ही है? तो यहां पर आपको आत्ममंडल योग बताता है कि ये भले ही अस्थि मांस का बना हुआ शरीर है और इसके अंदर जो भी घटित होता है वो इसी शरीर के भीतर के पदार्थों तत्वों के द्वारा अधिकांशतया संचालित होता है, लेकिन ये शरीर और इसके अंदर उठने वाले विचार केवल उतने ही नहीं हैं जितने वो दृश्यमान जगत के प्रपंच के माध्यम से जानने में आते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि ये पिंड विचार के साथ साथ भ्रम उत्पन्न कर सकता है, लेकिन विचार और भ्रम से पार ये ब्रह्म को भी जान सकता है। तो इतनी क्षमता यदि इस शरीर में है तो मेरे ही भीतर है, इसलिए मैं ही आत्ममंडल हुआ। तो मुझे अपने ही भीतर स्वयं को ही तराश कर निर्मित करना होगा, ताकि मैं स्वयं के ब्रह्म रूप को, या यदि बाहर भी कोई ब्रह्म है उस ब्रह्म के साथ एक रूपता को प्राप्त कर सकूं। तो ब्रह्मांड तो अनंत है और इसको जानने का यत्न अवश्य करना चाहिए, लेकिन आयु बहुत कम है। लेकिन कुछ तो ऐसा है जो संपूर्ण ब्रह्मांड के संपूर्ण तत्वों को जोड़े हुए है। सभी तत्वों का मूल एक है, और यदि सभी तत्वों का मूल एक है तो वो तत्व मुझ में भी है, और यदि वो तत्व मुझ में भी है तो मैं और ब्रह्मांड और इसके समस्त प्रपंच एक दूसरे से बड़ी गहराई से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें अपने भीतर ध्यान देना होगा, हमें यह जानना होगा कि मेरे भीतर अथवा मुझ में क्या निहित है। और जब योगी मेरे भीतर अथवा मुझ में स्वयं में क्या निहित है और इस ब्रह्मांड के साथ कौन सा सूत्र जुड़ा हुआ है, ये जानने का अभ्यास करता है, उसे आत्ममंडल योग कहा जाता है। यदि कोई देव धर्म की उपासना करता है, देवताओं की प्रतीक उपासना करता है, जैसे कोई इंद्र कुबेर यम वरुण इत्यादि देव देवी देवताओं को, अपने कुल देवी देवताओं को पूजता है, तो अधिकांशतः लोग ये कहते हैं कि अरे मूर्ति पूजक है ये, और मूर्ति भला भगवान होती है क्या, क्या ईश्वर मूर्ति है, मैं तो मूर्ति को इस क्षण तोड़ दूंगा, मूर्ति तो स्वयं कभी रक्षण नहीं कर सकती, तुम्हारा क्या रक्षण करेगी, इस तरह की मूर्खतापूर्ण ये जो कुतर्क दिए जाते हैं, उसके संबंध में बड़े स्पष्ट शब्दों में आत्ममंडल योग हमें यह बताता है कि देवता प्रतीकोपासना के अंतर्गत आते हैं, और समस्त देवी देवताओं को मानने वाले यदि वो प्रत्यक्ष देवोपासना करना चाहते हैं तो अपने शरीर में अंगन्यास के द्वारा अथवा धारणा ध्यान के द्वारा अपने इष्ट और अन्य इष्ट मंडल के देवी देवताओं का, सिद्धों और गुरुमंडल के महागुरुओं का ध्यान अपने शरीर पे न्यासपूर्वक कर सकते हैं। इससे आप
स्थूल शरीर से लेकर आपके शरीर में जो पंचकोश रूपी शरीर हैं उनमें भी दिव्य जागरण की अवस्था निर्मित होती है। तो इसके लिए करना क्या है अनिवार्य रूप में, वो हमें आत्ममंडल योग समझाता है कि भोजन मंत्र औषधि वस्त्र परिवेश योग ध्यान व समाधि अभ्यास, ये एक परंपरा है, इसका हम निरंतर अभ्यास करते हैं। अभ्यास तो निरंतर चाहिए और प्रतीकोपासना करते रहना होगा। तो कुल मिलाकर यदि आप एक नए अभ्यासी हैं तो केवल दो छोटे छोटे प्रयोग आपको करने चाहिए। पहले अपने गुरु से विधि पूर्वक आत्मयोग में किस प्रकार से न्यास किया जाता है उस वहिर्न्यास को और अभ्यंतरी न्यास को सीखना चाहिए। ये बड़ा जटिल और विचित्र लगता है जब आप पहली बार इसे सीखते हैं, लेकिन जब आप इसके अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं तो ये बहुत ही सहज और सरल व्यक्ति को प्रतीत होता है। तो पहले तो न्यास है, फिर न्यास के बाद मंडल है जिसमें पहले स्थूल देव मंडल आता है जिसमें आप प्रतीकोपासना अथवा देव मंडल का ध्यान अपने शरीर के भीतर करते हैं या एक मंडल के रूप में करते हैं। जब आप वहिर्देव का अभ्यास कर लेते हैं तो देवताओं का एक प्रकाशमय स्वरूप होता है जिसमें उनका कोई बाह्य स्वरूप नहीं होता, स्वरूप से परे केवल ऊर्जा रूपी शरीर होता है, फिर आप उस शरीर में उनका ध्यान करते हैं। तो सहज और सरल प्रणाली है, इसलिए आपको इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होती एक नए साधक को। लेकिन हाँ, एक एकांत वाला स्थान आपको अवश्य चाहिए ताकि आप एक एकांतमय वातावरण में एकांत स्थान में बैठ जाएं, अपना आसन बिछा दें और जिस प्रकार आपको साधना का अभ्यास दिया जाए उसी प्रकार और जिस प्रकार ग्रंथ में वर्णित है उसी प्रकार परंपरा अनुसार आपको ध्यान मंत्र जाप और न्यास का बार बार अभ्यास करना चाहिए। और कभी भी आत्ममंडल योग का अभ्यास एक साथ आपको नहीं करना चाहिए। एक साथ का तात्पर्य है कि 10 लोग या 20 लोग एक ही स्थान पर बैठ जाएं। हाँ, आप उसका ज्ञान एक स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा दीक्षा एक स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं, आप गुरु से प्रवचन आचार्यों से प्रवचन एक स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी निजी साधना आरंभ होगी तब आपको कम से कम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की दूरी 10 फीट की आपको रखनी चाहिए, क्योंकि आपके शरीर का जो अपना एक उसको एक वातावरण चाहिए, खुलापन चाहिए, वो इस साधना में योग अभ्यास में बड़ा अनिवार्य माना गया है। तो उत्तम परिवेश चुनकर आपको इसका अभ्यास करना चाहिए। आत्ममंडल योग सरल है, सहज है, लेकिन कुछ नियमों और परंपराओं में बंधा हुआ है। यदि हम इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो वो आत्ममंडल योग नहीं रहता। इसलिए किस प्रकार से आसनों का अभ्यास किया जाए, कितने प्राणायामों का अभ्यास किया जाए और किस प्रकार से आपको ध्यान की गहराई में उतरना है और किन मंत्रों से न्यास करना है, इसे विधिपूर्वक सीखना चाहिए। भारत की ऋषि परंपरा, हिमालय के महासिद्धों की दिव्य सिद्ध धर्म परंपरा अति विलक्षण परंपरा है। जितना हम सीखते हैं उतना ही हमें कम प्रतीत होता है, लेकिन जो साधक सदैव इस महासागर में साधना रूपी मोती, ज्ञान रूपी मोती खोजते हैं, ढूंढते हैं, लंबा समय लग जाता है। हो सकता है कि बहुत सारों के हाथ कुछ ना लगे, कोई एक भी मोती ना आए, लेकिन फिर भी यदि अभ्यास निरंतर हो, व्यक्ति दृढ़ निश्चयी हो और कलयुगी प्रपंचों से थोड़ा दूर हो तो अवश्य ही वो इस योग सागर से समाधि रूपी आत्म योग रूपी अथवा आत्म मंडल योग रूपी मोती अवश्य प्राप्त करता है। तो मेरा हृदय से आपको आशीर्वाद कि आप भी अपने जीवन में योग के विविध स्वरूपों को जानें, उनका अभ्यास करें और आने वाली पीढ़ी को इस ज्ञान को आगे प्रवाहित करें, सिखाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी सदा अपने महासिद्धों ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त इस ज्ञान गंगा से परिचित होकर लाभान्वित हो सके। नमो आदेश प्रणाम, ओम नमः शिवाय। संभल साम्राज्य रेडियो,
सुनते रहिए सत्य की सनातन वाणी।